एडीजी विपिन कुमार पांडे आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर रहे, जहां एडीजी ने पुलिस लाइन में क्राइम मीटिंग ली। उसके बाद सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैन चिश्ती की दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। एडीजी विपिन कुमार आज अजमेर के दौरे पर थे और यहां पर सुबह पुलिस लाइन के अंदर तालाना कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद मीटिंग ली। मीटिंग के बाद ख्वाजा साहब की दरगाह में भी ज्यारत करने पहुंचे। एडीजी विपिन कुमार पांडे, एसपी चूरणराम जाट सहित दरगाह थाना एसएचओ सहित जाप्ता मौजूद रहा। एडीजी दरगाह पहुंचने पर पूरी दरगाह का जरिया दरगाह की सदी की दरगाह के बारे में जानकारी ली। सालाना निरीक्षण करने आते रहते हैं एडीजी विपिन कुमार। और आज इसी दौरान अजमेर पहुंचे हैं, जहां पर ख्वाजा साहब के दरबार में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए हैं। वीकली ऑफ को लेके प्रयोग किया गया, पिछले 6 महीने से किया गया है लगभग। तो इसका अध्ययन करने के बाद से हमारे पांडे से पुलिस महोदय ने घोषणा करी थी कि हम इसको पूरे राज्य में भी लागू करेंगे। तो उसके लिए पहले अध्ययन हो, क्या कमियां हैं सर, उसको समझने के बाद विचार करते हुए आगे निर्णय लिया जाए। पुलिस कल्याण कोर्ट के लिए और क्या नई योजना, किस तरीके से उनको सहायता मिलेगी? कल्याण के तहत तो कई तरह की पहले से योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो मेडिकल हेल्थ को लेके हैं, सेवर अभियान चलाते हैं, जांच को लेके इनकी लगातार मेडिकल जांच कराते हैं, इनको सहायता दी जाती है, मेस की सुविधाएं हैं, कैंटीन की सुविधाएं हैं, इस तरह की चीज़ें कराई जाती हैं। कुछ सरकार से कराई जाती हैं, कुछ हमारा अपना फंड उसके माध्यम से कराई जाती है, कुछ जनसहयोग से उसके साथ फंड की तरफ भी कराई जाती है। थैंक यू।